हेलो फ्रेंड्स, आज यूपी आर्विनल की ये पहली क्लास है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी डेली क्लास होगी और बेसिक से हाई लेवल क्लास होगी। हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन कराया जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपका है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारे क्वेश्चन उससे हल कराया जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। वीडियो थोड़ा आज लेट में अपलोड होगा, क्योंकि थोड़ा सा आज टाइम ड्यूरेशन सही से नहीं हो पाया, तो कल से 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा आज इसकी जो क्वालिटी है थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्क लगा हुआ था आंसर में, इस वजह से उसको हटाने में थोड़ा सा ब्लर हो गया। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन सीखने को आप बहुत कुछ मिलेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड स्टे रूल, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड रूल की अल्पतमांक कितनी होती है। यहाँ पे रूल की लिस्ट काउंट पूछा गया है, तो लिस्ट जो रूल की लिस्ट काउंट होती है 1/2, यानी कि 0.5 mm। अगर mm में पूछा जाए तो 0.5, अगर इंच में पूछा जाए तो 1/64 इंच हमारी स्टैंडर्ड रूल की लिस्ट काउंट होती है। अब रूल की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रूल हमारा किसका बना होता है? ये हमारा स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है फ्रेंड्स। और इसका साइज कहाँ से लेते हैं? तो स्टैंडर्ड रूल की लंबाई से लेते हैं। तो बहुत कुछ हम नया बताएंगे, शायद आपने ना पढ़ा हो, इसलिए कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप भूल ना सकें। दूसरा चीज़, ये कितने से साइज तक का पाया जाता है? तो 150 mm से 1200 mm तक का ये पाया जाता है आपका स्टैंडर्ड स्टील रूल, 1200 mm तक, ठीक है। अगर हम इंच में बात करें फ्रेंड्स, तो इंच में आपका ये पाया जाता है, आपको पता है एक इंच में हमारा होता है 25.4 mm होता है फ्रेंड्स, ठीक है, 25.4 mm होता है। अगर हम हमारा जो 12 इंच से होता, 150 mm से हमारा 150 mm से हमारा 1200 mm तक का हो जाता है mm में स्टील रूल की लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंच में बात कर लेते हैं, तो हमारा 6 इंच से 48 इंच, अगर हम गुणा कर देंगे 25.4, तो हमारा लगभग आ जाएगा 150 mm के आसपास आ जाएगा। तो 6 इंच से 48 इंच तक का स्टील रूल की लंबाई होती है स्टैंडर्ड स्टील की लंबाई। अगला क्वेश्चन हमारा, शाफ्ट पर कीवे चाबी गार्ड की मार्किंग करने के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं? तो जब हम शाफ्ट पर कीवेज की मार्किंग करने के लिए बात करते हैं, तो फिगर के माध्यम से देखेंगे की सीट रूल हमारा इसका आंसर होता है। ये फ्रेंड्स हमारा की सीट रूल है, ठीक है। और इसमें क्या विशेषता रहती है? ये दो रूल को जोड़कर बनाया जाता है, एक रूल हमारा अधिक चौड़ा होता है, एक कम चौड़ा होता है। दूसरा जो कम चौड़ा होता है वो नैरो रूल होता है। तो ये दो रूलों को जोड़कर हमारा की सीट रूल बनाया जाता है। इससे मेन कार्य ये है कि जब हमें बेलनाकार जॉब है, ये हमारा आप देख रहे हैं, तो बेलनाकार जॉब में समांतर लाइनें हमें खींचने के लिए हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी पाइप की बाहरी सतह पर, कोई पाइप है उसकी बाहरी सतह पर हमें समांतर लाइनें खींचनी है, तो किस रूल का प्रयोग करेंगे? तो की सीट रूल का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, की वेज की मार्किंग करना है अगर हमें पाइप में, तो की वेज की मार्किंग करने के लिए हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट रूल के बारे में, शॉर्ट रूल क्या होता है? शॉर्ट रूल से हम जो हमारा स्लॉट है, ग्रो है, उसको मापा जाता है। किस प्रकार से मापते हैं फ्रेंड्स? तो ये जैसे हमारा रूल आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे साइज के 5 mm का है, ये 10 mm का रूल है और ये 15 mm, इनका यूज कैसे करते हैं? ये हमारे जो रूल होते हैं इनको हम, ये हमारा हैंडल होता है, इसमें एक स्लॉट कटा होता है, इसके बीच में स्लॉट के बीच में हम इसको रूल को फंसा देते हैं। तो अब फंसाने के बाद क्या करते हैं, जैसे हमने जितने साइज का हमें चाहिए उतने साइज का हमने रूल यूज कर लिया, चाहे 20 mm का यूज करना हो या 10 mm का, उसका यूज करने पर इसको हमने इसमें लगा दिया और हमें मान लो कोई स्लॉट है, इसी स्लॉट को इसमें माप लेंगे ऐसे लगा के, है ना, इधर की ओर
समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो ये स्लॉट है, मान लो कोई स्क्वायर स्लॉट है, ये ग्रूव है, तो उसमें इसको हम माप लेते हैं। अब इसी प्रकार ये एक सेट में, ये सेट में पाया जाता है, और एक सेट में हमारे पांच रूल आते हैं, और पांच रूलों का अलग अलग साइज होता है। एक हमारा 5 mm का होता है, एक 10 mm का होता है, दूसरा हमारा 12.5 mm का होता है, फिर 20 mm का होता है, एक 25 mm का हमारा रूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंच में भी पाया जाता है, जैसे हमारा 5 mm से 25 mm तक का पाया जाता है, और इंच में 1/4 इंच से 1 इंच के साइज में मिलता है। ठीक है, इससे मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नैरो रूल की बात कर लें फ्रेंड्स, तो नैरो रूल क्या होता है, इस देखो जो शॉर्ट रूल होता है, ध्यान से समझिए, उसका हम प्रयोग हम ग्रू या स्लॉट को मापते हैं, जबकि नैरो रूल क्या होता है, इसका जो चौड़ाई होती बहुत कम होती, इसकी चौड़ाई हमारी 5 mm होती है। फ्रेंड्स चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो ये हमारी चौड़ाई होती है, और जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, या 6 इंच तक इसकी लंबाई होती है। अब इसका प्रयोग क्या होता है, नैरो रूल का प्रयोग हम जहाँ पर सकरी जगह होती है, जहाँ पर मान लो कि बहुत जो जॉब है हमारा बहुत सकरा है, उसमें कोई होल है या स्लॉट है बहुत सकरा है, तो उसकी हमें लंबाई मापना है, चौड़ाई मापना है, तो वहाँ पे हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम नैरो रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो तंग जगह है या सकरी जगहों को मापने के लिए हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, की सीट रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, नैरो रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा तो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बेलनाकार जॉब या पाइप के अक्ष के समांतर रेखाएँ खींचने के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं। कोई बेलनाकार पाइप है, उसमें अक्ष के समांतर मान लो एक्सिस ये लाइन है, इसी के समांतर एक और लाइन खींचे, मान लो यहाँ पर हमें लाइन खींचनी, तो किस सीट रूल का प्रयोग करेंगे अक्ष के समांतर लाइन खींचने के लिए। तो बेलनाकार जॉब या पाइप की जब भी बात करें, उसमें हमारी कोई भी लाइन खींचनी हो, समांतर लाइन खींचनी, तो हम की सीट रूल का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमारा पूछा गया था मार्किंग के लिए, तो की वेज मार्किंग करने के लिए शाफ्ट पर की बात कर रहा है, पाइप या पाइप की वर्ड आ जाए तो समझ लो की सीट रूल वहाँ पे हमारा आंसर होता है। ये ट्रिक है याद करने की, है ना, बाकी आप समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ब्लाइंड या अंधे गहराई की चेक करने, मतलब कोई ब्लाइंड होल है उसकी गहराई हमें चेक करना, तो किससे चेक करेंगे, तो हम रूल डेप्थ गेज द्वारा उसकी हम गहराई चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और श्रिंक रूल क्या होता है, श्रिंक रूल जो हमारा होता है, ये वास्तविक जो इसका साइज होता है, वास्तविक साइज सेंटीमीटर में होता है, लेकिन जो हमारा जैसे एक्चुअल जो हमारा सेंटीमीटर होता है, उससे ये इसका साइज बड़ा होता है। क्यों, ये आपने पढ़ा होगा कि जो सिंक रूल होता है, वास्तविक साइज के सेंटीमीटर से उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, वो इसलिए क्योंकि हम जब कास्ट आयरन को मान लो हमने पिघलाया, फिर उसको एक जो हमारा सांचा होता है उसमें जब हम इसको डाल देते हैं मेल्ट करके, तो इसके बाद जब वो ठंडा होता है तो ये कुछ सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद क्या होता है, वो कुछ अपने साइज सिकुड़ जाता है, इस वजह से हम सिंक रूल का साइज जो होता है वास्तविक साइज से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। कितना रखते हैं, तो 1/7 इंच से 1/7 से, अलग अलग बुकों में दिया है, और किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट, आपको किसी अलग बुक में मिलेगा 1/7 इंच से और 16/10 इंच, तो अलग अलग बुकों में दिया, आपको जो राइट आंसर लगता है वो आप कमेंट कीजिएगा कि जो श्रिंक रूल होता है वास्तविक साइज से कितना अधिक होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, श्रिंक रूल का अभी हमने बताया पैटर्न मेकर में करते हैं, मतलब सांचा जहाँ पे हमें जो भी गर्म जॉब होते हैं उनको ठंडा करके फिर ये सारा जो कुछ यूज करते हैं, तो पैटर्न मेकर में हम इसका मेन हमारा उद्देश्य रहता है श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। ढलवा लोहे का, लोहे का श्रिंकेज अलाउंस कितना, और श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, श्रिंकेज अलाउंस वो होता है कि जैसे हमने किसी पार्ट को गर्म किया, वो फिर कुछ सिकुड़ता है ठंडा होने के बाद, वो कितना सिकुड़ता है, वो जो हमारा जॉब है उसके मटेरियल के अनुसार अलग अलग होता है श्रिंकेज अलाउंस। तो कास्ट आयरन का श्रिंकेज अलाउंस अलग होता है, मतलब कि आपके यह कैसे आपको याद करना है, आपको ये समझ ले कोई भी अलाउंस अगर पूछा जाए श्रिंकेज अलाउंस, तो 1/100 हमेशा रहेगा, 1/100 हमेशा रहेगा, आप कैसे याद करना है,
जैसे आपसे पूछा गया, पहले आपको याद करना है सीरियल, याद कर लीजिए कास्ट आयरन, फिर इसके बाद आपको याद कर लीजिए आप एल्यूमिनियम याद कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको याद करना है आपको स्टील याद कर लीजिए। सीरियल आपको याद करने ना, सुन लीजिए, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम स्टील, ये सीरियल याद कर लिया। ऊपर आपका वन रहेगा, ऊपर वन का मतलब 1/100 में ऊपर वाले की बात करें, इसकी ऊपर वन रहेगा। फिर आपको याद कर लेना है 1.6, फिर 2.1, ये याद कर लेना है। जब आपने सीरियल याद कर लिया तो ये हो गया कास्ट आयरन का सिलिकॉन अलाउंस, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, आपको सीरियल बताया एल्यूमिनियम का सिलिकॉन अलाउंस, ये आपका किसका हो गया, आपका हो गया स्टील के लिए सिलिकॉन अलाउंस। कैसे, अब देखो अभी ये आप रूल लगाएंगे तो कैसे आपको याद हो जाएगा, सही आंसर आप लगा पाएंगे। तो कास्ट आयरन का सिलिकॉन अलाउंस कितना होता है, 1/100 mm। इसी प्रकार ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे पूछा गया एल्यूमिनियम के लिए सिलिकॉन अलाउंस, एल्यूमिनियम के लिए हमने दूसरे नंबर पे बताया था 1.6, तो 1.6 के 1/100 लगा देना है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है तो 1.6/100 में हमारा किसका अलाउंस हो जाएगा, सिलिकॉन अलाउंस किसका, एल्यूमिनियम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में आता है स्टील। हमने यहाँ पे ऐसा क्यों बताया, क्योंकि आप जब सीरियल से लगाएंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। स्टील हमारा सबसे लास्ट में आता है, स्टील का सिलिकॉन अलाउंस हमारा कितना होता है, 2.1/100 mm, है ना। तो कैसे याद करना, एक, फिर इसके बाद हमारा आता है 1.6, फिर इसके बाद आता है हमारा 2.1, ये किसका होता है, कास्ट आयरन का, ये किसका होता है 1.6, ये हमारा एल्यूमिनियम के लिए, ये किसका होता है स्टील के लिए, और बटे में आपके सामने 100 है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो स्टील के लिए सिलिकॉन अलाउंस हमारा होता है 2.1, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 1/100। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अभियांत्र की गुनिया साइज लिया जाता है, तो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है उसका साइज हम कहाँ से लेते हैं, तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राई स्क्वायर और इंजीनियर स्क्वायर एल स्क्वायर में क्या अंतर होता है, तो आज के वीडियो जो है लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ट्राई स्क्वायर का साइज हम स्टॉक के अंदरूनी सिरे से, जैसे ये स्टॉक है, ये हमारा स्टॉक है, तो यहाँ से इसका साइज हम लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका साइज स्टॉक के अंदरूनी सिरे से यहाँ से हम यहाँ तक लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राई स्क्वायर के स्टॉक अंदरूनी सिरे पर एक अंडर कट लगा होता है, ये क्या होता है अंडर कट, एक ट्राई स्क्वायर मान लो हमारा जो होता है फ्रेंड्स, आपने फिगर के माध्यम से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, एक हमारा ट्राई स्क्वायर होता है, यहाँ पे आपका अंडर कर दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य बर को स्थान देने के लिए, जो भी हमारा मान लो स्क्वायर में हमारा जॉब है, तो ये जो बर होता है ये यहाँ पे इसको स्थान देने के लिए, ठीक है, ताकि हम आसानी से सही से एक्चुअल जो 90 डिग्री एंगल उसका हम चेक कर सकें, सरफेस चेक कर सकें, तो ये हमारा बर को स्थान देने के लिए, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। सेकेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर दोनों लेग को जोड़ा जाता है, तो हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर से हमने एक वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, हमने बहुत अच्छे से कैलिपर के टाइप्स के बारे में वीडियो बनाया था, कैसे इसको हल करना है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है, पहली बात तो कैलिपर आपके आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर, अब कैलिपर में आते हैं तो हमारे फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट आते हैं। फर्म जॉइंट में आपका जो होता है एडजस्ट करने की ज़्यादा मतलब सुविधा नहीं होती, जबकि स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग टाइप के जो भी कैलिपर होते हैं, डिवाइडर होते हैं, उनमें एडजस्ट करने की सुविधा होती है, मतलब उनसे हम ज़्यादा एक्यूरेट में साइज माप सकते हैं, है ना, मापते तो नहीं, किसी अन्य रूल की सहायता से हम उसका साइज लेते हैं। तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर को हम स्प्रिंग और पीवेट द्वारा, पीवेट क्या होता है, कील होता है, और मान लो ये हमारा ऐसे करके मान लो ये फिगर थोड़ा सा इस टाइप का है, तो यहाँ पे दोनों लेग को हम जोड़ते हैं स्प्रिंग वो पीवट द्वारा इसको हम जोड़ते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंजीनियर स्क्वायर का कौन सा भाग रिफ्रेश सरफेस की तरह की कार्य करता है। देखिए इसमें कुछ आपको क्वेश्चन रॉन्ग भी दिए होंगे अगर आपने ये बुक रीड की होगी, इसका राइट आंसर आपको दिया होगा दोनों में से कोई एक, ये रॉन्ग आंसर है। हमारा राइट आंसर जो ट्राई स्क्वायर होता है उसमें जो हमारा ट्राई स्क्वायर का जो ये हमारा ये क्या होता है स्टॉक होता है, ये हमारा ब्लेड होता है, तो स्टॉक ही रिफ्रेश सतह प्रदान करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में,
ये फ्रेंड्स आपका एक सिंपल सा ट्राई स्क्वायर है, इसमें आपका एक अंडर कट दिया जाता है बर को स्थान देने के लिए, ये हमारा स्टॉक होता है, ये हमारा ब्लेड होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, हम आपको ये बताते हैं कि एल स्क्वायर, इंजीनियर स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर में अंतर क्या होता है। तीनों देखिए एक ही होते हैं, बस उनका क्वेश्चन भी आते हैं कि एल स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं। एल स्क्वायर का प्रयोग हम शीट मेटल में करते हैं। एल स्क्वायर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो हमारा ये एल स्क्वायर नहीं है, जो फिगर में ये है, ये एल स्क्वायर नहीं है, हमारा ट्राई स्क्वायर है, इसलिए एल स्क्वायर को इमेजिन करना। एल स्क्वायर जो होता है इसका हमारा स्टॉक और ब्लेड एक ही मटेरियल का होता है और पतले होते हैं, मतलब कि ये जो इनकी जो मोटाई होती है उसमें एल स्क्वायर में, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मोटाई अधिक है, यहाँ पे इसकी मोटाई कम है, तो लेकिन एल स्क्वायर में क्या होते हैं, दोनों की मोटाई समान होती है। ये क्वेश्चन आगे आएगा इसलिए हम अभी आपको समझा रहे हैं। तो जो हमारा ये ब्लेड है और स्टॉक है, एल स्क्वायर में इसकी मोटाई बराबर होती है, ये हमारा हो गया एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का प्रयोग हम राजमिस्त्री के लिए और कारपेंटर शॉप सीट मेटल के लिए हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद इससे रिलेटेड और बात कर लेते हैं कि ट्राई स्क्वायर अब क्या होता है। ट्राई स्क्वायर में ये होता है कि फ्रेंड्स जो हमारा स्टॉक होता है वो अलग मटेरियल का होता है और जो ब्लेड होता है वो भी हमारा अलग मटेरियल का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक होता है वो हमारा किस मटेरियल का बना होता है, ये पूछा जाता है, ये हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। तीन मटेरियल के बने होते हैं, याद कर लीजिएगा। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है और हार्ड लकड़ी का बना होता है, ठीक है ये। अब इंजीनियर स्क्वायर क्या होता है, इंजीनियर स्क्वायर में क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारे ये जो ब्लेड होता है इसमें ग्रेजुएशन अंकित हो जाते हैं, मतलब कि ट्राई स्क्वायर से ज़्यादा एक्यूरेट हमारा इंजीनियर स्क्वायर कार्य करता है। और इंजीनियर स्क्वायर तभी आपको पता होगा कि जो हमारा इंजीनियर स्क्वायर होता है ये हमारा प्रत्येक 10 mm की लंबाई में 2 माइक्रोन की शुद्धता में चेक करता है, ठीक है। इंजीनियर स्क्वायर जो होता है 10 mm की लंबाई में 2 माइक्रोन की शुद्धता में चेक करता है हमारा इंजीनियर स्क्वायर, उसमें हमारा ग्रेजुएशन अंकित होते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इंजीनियर स्क्वायर का जो मटेरियल होता है, ब्लेड और स्टॉक दोनों एक ही मटेरियल के होते हैं, मतलब जो हमारा इंजीनियर स्क्वायर का जो ब्लेड होगा जिस मटेरियल का होगा उसी मटेरियल का हमारा स्टॉक भी होगा, जबकि ट्राई स्क्वायर में मटेरियल अलग अलग होते हैं। स्टील जो होगा हमारा स्टैंडर्ड स्टील का होगा और जो रूल होगा ये जो और ब्लेड होगा वो हमारा स्टैंडर्ड स्टील का होगा, जबकि स्टॉक हमारा कास्ट आयरन, हार्ड लकड़ी या फिर एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। ये दोनों को ग्राउंड हार्ड और ग्राउंड करते हैं क्योंकि हम इससे 90 डिग्री सरफेस वगैरह चेक करते हैं तो घिसे ना, ठीक है। जबकि फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि इंजीनियर स्क्वायर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हमने ट्राई स्क्वायर का बता दिया, एल स्क्वायर का बता दिया। इंजीनियर स्क्वायर का प्रयोग हम मशीन शॉप में करते हैं और ट्राई स्क्वायर का भी आपने पढ़ा होगा कारपेंटर शॉप में करते हैं, लेकिन मुख्यतः एल स्क्वायर का प्रयोग हम कारपेंटर शॉप में, राजमिस्त्री ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंजीनियर स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इंजीनियर स्क्वायर हमारे तीन ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए आपने पढ़ा होगा, ग्रेड बी और ग्रेड सी, ये हमारे इंजीनियर स्क्वायर तीन ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। और जो हमारे ए और बी यूज किए जाते हैं इंस्पेक्शन वर्क और रेफरेंस वर्क के लिए हम यूज करते हैं ग्रेड और ग्रेड बी का, ठीक है, या बोल सकते हैं इनको टूल रूम में। तो इंजीनियर स्क्वायर का प्रयोग कौन से ग्रेड, ग्रेड ए, ग्रेड बी का प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं, जबकि मशीन शॉप में हम जो ग्रेड यूज करते हैं वो ग्रेड सी यूज करते हैं। तो इंजीनियर स्क्वायर में कौन सा ग्रेड यूज करते हैं मशीन शॉप में, वो ग्रेड सी यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है, इंजीनियर स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर दोनों एक ही होते हैं, अंतर कितना होता है, उसमें ग्रेजुएशन अंकित होता है इंजीनियर स्क्वायर में। अब यहाँ पे पूछा गया था सॉलिड ट्राई स्क्वायर का, तो यहाँ पे ट्राई स्क्वायर आपका तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सॉलिड इंजीनियर स्क्वायर या फिर सॉलिड ट्राई स्क्वायर बोल सकते हैं, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, और तीसरा होता है डाईमेकर ट्राई स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछा गया है सॉलिड ट्राई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ब्लेड होता है और स्टॉक होता है दोनों हेडलेस रिवेट द्वारा जुड़े होते हैं, ये क्योंकि सॉलिड होता है दोनों इसलिए हेडलेस द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि यहाँ पे जो हमारा एडजस्टेबल है वो अलग माध्यम के द्वारा जुड़ा होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है। तो साधारण कैलिपर का साइज आपको पता होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारी जो रिवेट होती है, कील होती है, और ये जो हमारा वर्किंग पॉइंट होता है ऐसे करके, है ना, तो इसको गेजिंग पॉइंट बोलते हैं, जो हमारा कैलिपर होता है। और या डिवाइडर, मान लो डिवाइडर में हमारा सीधा होता है जब लेग जो होती है, इसमें कैलिपर में ये जो हमारा है कौन सा कैलिपर है फ्रेंड्स, आउटसाइड कैलिपर, क्योंकि इससे हम बाहरी साइज मापते हैं ना, बाहरी साइज मापते हैं, बाहरी डायमीटर मापते हैं। तो यहाँ से जो साइज और यहाँ गेजिंग पॉइंट, तो इसके इसके मध्य से हम इसका साइज लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा साधारण कैलिपर का साइज रिवेट कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका हम साइज लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है, इसको कम समय में कैसे हल करते हैं फ्रेंड्स। इसको हल करने का तरीका देखिए, इसको हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा कि 1000 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 1 mm होता है, आपको पता है फ्रेंड्स 1 mm होता है, 1000 माइक्रोन बराबर 1 mm, ये पता है ना। अब आप यहाँ पे पूछा गया है कि 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो मतलब 10 यहाँ पे ज़्यादा कर लेना है, तो मतलब यहाँ पे 10 का गुणा आपने कर दिया, इसमें इस वाले में 10 का गुणा किया। अगर आपने इस तरफ 10 का गुणा किया, इस तरफ भी आपको 10 का गुणा करते हैं ना, दोनों बराबर करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो 10 का किया तो 10 mm बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरी तरीके से इसको हम बता दें, अगर 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होता है, तो 1000 माइक्रोन में इसमें 10 mm में जब हम 1000 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 माइक्रोन, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। देखो हमने इससे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं ट्राई स्क्वायर से, तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। पूछा गया यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किसका बना होता है, तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जबकि स्टॉक हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है, हमने स्टैंडर्ड स्टील रूल का भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, तो स्टैंडर्ड स्टील रूल हमारा स्प्रिंग स्टील का बना होता है, और स्टैंडर्ड स्टील रूल का भी बना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील का भी बना है, या उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील का हमारा रूल बना होता है और स्प्रिंग स्टील का बना होता है। और इसके बाद और साइज का भी हमने बताया था, साइज हमारा जो लिया जाता है 150 mm से 1200 mm तक का हमारा साइज होता है रूल का, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही। और इंच में हमने बताया था 6 इंच से आपका 48 इंच तक हमारा रूल होता है, और जबकि 150 mm से 1200 mm तक का रूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है, सेंटर हेड से हम गोल जाप का गेंद हमारा, देखो यहाँ पे नाम से ही सेंटर पता चलता है कि सेंटर निकालते हैं, तो हमारा जब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें प्रोटेक्टर हेड होते हैं, स्क्वायर हेड होते हैं, वो कैसे किसका यूज करते हैं, इनका क्या एंगल होता है, किस मटेरियल के बने होते हैं, क्या लिस्ट काउंट होती है, का सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है गोल जाप का क्या केंद्र ज्ञात करने के लिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से सीट मेटल कार्यों के लिए कौन सा औजार है। देखिए हमने आपको बताया था सीट मेटल कार्यों के लिए कौन सा यूज करेंगे, ट्राई स्क्वायर नहीं, सबसे पहले हमने लगाएंगे एल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, एल स्क्वायर हम पहले लगाएंगे कि एल स्क्वायर का प्रयोग हम कहां करेंगे, सीट मेटल कार्यों में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमने नैरो रोल शॉर्ट रोल इनका डिस्कस कर ही लिया है, शॉर्ट रोल का प्रयोग हम कहां करेंगे, जो भी जो हमारा स्लॉट है, ग्रू है, उसको मापने के लिए शॉर्ट रूल का प्रयोग करेंगे। नैरो रूल का प्रयोग कहाँ करेंगे, नैरो रूल का करेंगे सकरी जगहों पे मापने के लिए, हम नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 mm होती है, तो सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। ट्राई स्क्वायर की अगर शुद्धता की बात कर लेते हैं, इसको इंजीनियर स्क्वायर में अगर आपसे पूछा जाए, तो प्रति 10 mm की लंबाई में 2 माइक्रोन की शुद्धता में मापता है ट्राई स्क्वायर, जो उसके अंतर्गत में आता है इंजीनियर स्क्वायर, है ना, जिसमें ग्रेजुएशन अंकित होता है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है, इससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो इस वीडियो से आपका कभी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे याद करते हैं, अप्रत्यक्ष मापी औजार, जिस औजार को हमें किसी जॉब को मापने के लिए अन्य टूल की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारा प्रत्यक्ष मापी औजार कहलाता है। जैसा कि टेलीस्कोप गेज से मान लो किसी जॉब का डायमीटर हम किसी मान लो कोई स्लॉट है उसका हम माप रहे हैं, तो उसमें जब मापते हैं, मापने के बाद हमें वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी अलग अलग स्टैंडर्ड रॉड होती हैं साइज की, तो उसको हम मापने के लिए फिर हम चेक करते हैं वर्नियर कैलिपर से, है ना, कि इसका हमारा साइज कितना, मतलब
एक अलग से हमें टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष मापी औजार कहलाएगा। इनसाइड कैलिपर का जब हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अलग से टूल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी यूज कर पड़ती है, रूल की। मान लो कोई इनसाइड कैलिपर से हमने किसी स्लॉट को हमने मापा, और मान लो किसी गहराई का हमने जो डायमीटर उसको हमने मापा इनसाइड कैलिपर, क्योंकि जो इसका ऐसे करके होगा ना बाहरी की ओर, तो मान लो किसी जॉब का डायमीटर का गहराई हमने मापा और स्लॉट मापा। स्लॉट मापने के लिए किस कैलिपर का यूज करते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनसाइड कैलिपर का मापा जाता है। तो अब इनसाइड कैलिपर से जो भी हमने माप सेट किया उसको हम किस पे माप सेट करें, किससे मापेंगे, तो रूल में हम रखकर इसको चेक करते हैं। तो स्टैंडर्ड रूल के द्वारा, मतलब एक अलग टूल की आवश्यकता पड़ गई, इसलिए हमें ये अप्रत्यक्ष मापी हो गया। और इसी प्रकार आउटसाइड कैलिपर भी हमें अलग से एक टूल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रूल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हुक रूल एक स्वयं एक रूल है जिसमें ग्रेजुएशन अंकित होती है। तो वो हमारा क्या, इसको माप, इससे जब हम किसी जॉब का साइज मापते हैं तो अलग से हमें टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हमारा क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। चलिए आज के वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास भी कल अपलोड होगी, तो आपको डेली क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए भी आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज फिर एक और डेली लाइव टेस्ट नहीं ज्वाइन किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। डेली लाइव टेस्ट 8 PM से 10 PM के बीच में होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। और फिर मिलते हैं रात को 11 बजे, वहाँ पे आपको जो भी लेथ मशीन के हम क्वेश्चन कराएंगे, लाइव टेस्ट कराएंगे, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल।